Hello guys, welcome to Earth Geological Zone. Myself Karthik Tiwari, I have completed my master degree from Government Institute of Science, Aurangabad. So guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है चंद्रयान 2। आप अक्सर अभी देख रहे हो न्यूज़ चैनल पे चंद्रयान 2 बहुत चल रहा है, और आज हम डील करेंगे चंद्रयान 2 के साथ। ऑब्वियसली जियोलॉजी में स्पेस का स्टडी तो हमें करना ही होता है, तो आज हम बात करेंगे चंद्रयान 2 का। ऑब्वियसली आप ये तो जानते ही हो कि चंद्रयान 2 को किसने लॉन्च किया है। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है। सो इसरो स्टैंड्स फॉर मींस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो चंद्रयान 2 लॉन्च्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए गाइज, कितने तारीख को लॉन्च किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 22nd ऑफ जुलाई 2019, ये डेट हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अप्लीकेबल रहा, क्योंकि 22nd ऑफ जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है। लॉन्च करने का मतलब ये नहीं है कि लॉन्च करने के बाद आप स्टडी ही करोगे, ऑब्वियसली उसका पूरा स्टडी कर पाओगे। लॉन्च किया है, और लॉन्च करने के बाद ऑब्वियसली इसरो उसका स्टडी करना चाहता था। तो अभी अक्सर मैं सुन रहा हूं कि चंद्रयान 2 फेल हो चुका है, ये फेल हुआ है या पास हुआ है, ये लॉन्च हुआ है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रयान 2 फेल हुआ है या पास हुआ है। ऑब्वियसली मैं तो इसे नहीं बता सकता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि चंद्रयान 2 फेल हुआ है या पास हुआ है। आपको अगर ये समझना है तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। सो जो डेट थी चंद्रयान 2 लॉन्च होने की, वो थी 22nd जुलाई 2019। ओके, अब यहां से लेके अब तक का जर्नी चंद्रयान 2 का कैसा था, कैसा रहा, ऑब्वियसली हमें कुछ मिला है क्या चंद्रयान 2 से, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रयान की बात अगर करें, तो चंद्रयान से भी पहले हम किस चीज का स्टडी कर रहे हैं उसका डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थ और मून। ऑब्वियसली आप जानते हो कि अर्थ क्रस्ट पे हम रहते हैं, और अर्थ क्रस्ट पे हम रहते हैं, लेकिन हमने मून का स्टडी करने के लिए इसको आगे बढ़ाया है चंद्रयान 2। सो अर्थ मून, ओके, अर्थ एंड मून। ऑब्वियसली इन बिटवीन दैट देयर इज अ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस है 384,400 किलोमीटर। ये डिस्टेंस बहुत कम नहीं है, इट्स टू लार्ज, मींस मतलब ये बहुत ज्यादा दूरी है इन बिटवीन मून एंड अर्थ। ऑब्वियसली मून इतना ज्यादा दूर भी नहीं है, मून इतना ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि बाकी भी प्लैनेट्स हैं जो कि अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। तो हम डील कर रहे हैं मून के साथ। तो ये डिस्टेंस अगर देखा जाए 384,400 किलोमीटर, ये काफी ज्यादा है, और यहां तक किसी भी स्पेस क्राफ्ट को भेजना मुमकिन नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली नासा स्टडी कर रहा है, इसरो स्टडी कर रहा है, और बहुत बार मिशन मंगल भी आपने देखा होगा, तो मिशन मंगल तो इससे भी दूर है, फिर भी वहां पे इसरो पहुंच चुका है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर इस प्रोजेक्ट में होता क्या है और हुआ क्या है, ठीक है। अर्थ मून देयर इज अ डिस्टेंस 384,400 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। अब देखिए क्या हुआ है, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको कॉस्ट लगेगा, और कॉस्ट आपको लगेगा तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट कितना लगा है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए नियर अबाउट 974 करोर कॉस्ट लगा है, और 974 करोर कुछ कम कॉस्ट नहीं होता। इतना कॉस्ट लगा है तो ऑब्वियसली हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए, हम यही सोचेंगे कि हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए, और हमें रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं इसके साथ आज हम डील करेंगे, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को ऑब्वियसली इंडिया ने, इस डिस्टेंस तक इंडिया पहुंचा है ये तो आप जानते हो, लेकिन क्या हुआ इन बिटवीन, जो कोई नहीं जान पाया कि इन बिटवीन क्या हुआ है, कि इन बिटवीन हम उसका स्टडी नहीं कर पाए, या इन बिटवीन ऐसी क्या न्यूज आ चुकी है कि इसे फेल बोला जा रहा है। ऑब्वियसली इसे फेल बोला जा रहा है, लेकिन ये फेल हुआ है या पास हुआ है, इसके साथ आज हम डील करेंगे। ऑब्वियसली किसी भी स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए फंड लगेगा, जो कि इसे 974 करोर लगा है, ये कम नहीं होता,
ठीक है, फंड तो लगेगा ऑब्वियसली, उससे हम स्टडी भी कर पा रहे हैं, फंड लग रहा है तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे। तो ये फेल हुआ या पास हुआ, इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए कितने साल लग रहे हैं। अभी इसरो 11 साल से इस पे वर्क कर रहा है। 11 साल का वर्क बहुत होता है। ऑब्वियसली एक इमोशनल, आपने वीडियो देखा होगा प्रीवियसली, इमोशनल वीडियो में यह बताया गया कि इसरो ने इतनी मेहनत के बाद में सफलता को हासिल नहीं किया, लेकिन यह सरासर झूठ है। इसरो ने सफलता को हासिल किया है, किस तरीके से किया है उसके साथ हम डील करेंगे, ठीक है। अब तीन पार्ट में स्पेसक्राफ्ट को डिवाइड किया गया, जो कि बहुत ही कम पीपल्स जानते हैं। देखिए वो तीन पार्ट कौन से हैं स्पेसक्राफ्ट के, तीन पार्ट में इसे डिवाइड किया गया। स्पेसक्राफ्ट को तीन टाइप में डिवाइड किया गया। नंबर वन इज ऑर्बिटर, नंबर सेकंड लैंडर विक्रम, एंड थर्ड वन प्रज्ञान रोवर। तो ऐसे तीन स्पेसक्राफ्ट में इसे डिवाइड किया गया, नंबर वन ऑर्बिटर, नंबर सेकंड लैंडर विक्रम एंड नंबर थ्री प्रज्ञान रोवर। आप ये तीन नाम बहुत बार सुन रहे होंगे, ऑब्वियसली न्यूज में ये तीन नाम का बहुत ज्यादा जिक्र है, नंबर वन ऑर्बिटर, नंबर सेकंड लैंडर विक्रम एंड नंबर थ्री प्रज्ञान रोवर। अब ये तीन क्या है, तो ये जो तीन है ये है स्पेसक्राफ्ट जो कि मून पे जाने के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको कम करना होगा। ऑब्वियसली जो वेटेड, आप अगर इन तीनों के वेट की बात करें तो मोर देन 2000 केजी का वेट था, जो कि वो मोर देन 2000 केजी बहुत ज्यादा टिपिकल होता था मून के ऊपर, इसलिए इसके वेट को कम करने के लिए इसे हिस्सों में बांटा गया और ऐसे तीन हिस्से थे, जो कि हिस्सा एक ऑर्बिटर, सेकंड लैंडर विक्रम एंड थर्ड प्रज्ञान रोवर। अब देखिए ऑर्बिटर का क्या फंक्शन होता है, लैंडर विक्रम का क्या फंक्शन है और प्रज्ञान रोवर का क्या फंक्शन था। तो ऑब्वियसली इसमें फंक्शन तो है, तीनों के भी अलग अलग फंक्शन है जिसके साथ हम डील करेंगे। यहां से स्पेसक्राफ्ट आगे जाने के बाद ऑब्वियसली मून का स्टडी करना है तो मून की ओर बढ़ेगा। मून की ओर बढ़ने के बाद सबसे पहले ऑर्बिटर जो है, ये ऑर्बिटर मून के सराउंडिंग में इस तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से स्पेसक्राफ्ट जो है, ऑर्बिटर लैंडर विक्रम एंड प्रज्ञान रोवर, तीनों भी साथ में, ठीक है, सराउंड करेंगे, मूव करेंगे इस तरीके से, और यहां पे ये सेपरेट होगा। सेपरेट क्या होगा, तो लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से सेपरेट होगा, लेकिन ऑर्बिटर उसी जगह पे है, वहां से लैंडर विक्रम अलग हो रहा है, क्योंकि यहां पे वेट हमें कम करना है। वेट कम अगर करना है तो हमें इन दोनों को अलग करना होगा, तो ऑर्बिटर अपनी जगह पे रहेगा। इन बिटवीन मून एंड ऑर्बिटर ये डिस्टेंस कितना होता है, तो इन बिटवीन मून एंड ऑर्बिटर ये डिस्टेंस होता है 100 किलोमीटर, इन बिटवीन मून एंड ऑर्बिटर। तो ये जो ऑर्बिटर है ये घूमता रहेगा 100 किलोमीटर ऊपर, मून से 100 किलोमीटर ऊपर ये ऑर्बिटर कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा, पिक्चर्स को कैप्चर करता रहेगा, स्कैन करता रहेगा। ऑब्वियसली ऑर्बिटर में भी कैमराज होते हैं और वो भी स्टडी करता है। तो प्रीवियस स्टडी हमने कर लिया है, ऑर्बिटर हमारा वहीं पे था, ऑर्बिटर वहीं पे रहेगा, और फिर उसके बाद जो सेपरेट हुआ है लैंडर विक्रम, तो ये लैंडर विक्रम धीरे 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 मून की ओर बढ़ता रहा। लैंडर विक्रम मून की ओर बढ़ता रहा, और एक समय ऐसा आया है कि लैंडर विक्रम मून से 3 किलोमीटर दूर थे, जो कि 3 किलोमीटर के बाद लैंडर विक्रम धीरे 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 2.1 किलोमीटर दूर रह गए। 2.1 किलोमीटर तक हमारी निगाहें उसके ऊपर टिकी थी कि अब क्या होगा, तो 2.1 किलोमीटर पे कनेक्टिविटी नहीं रहा, कनेक्शंस टूट गए, और 2.1 किलोमीटर के बाद क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता है या कोई जानता है, ऑब्वियसली मैं मेरी राय इस पे रखूंगा आपके सामने कि 2.1 किलोमीटर तक लैंडर विक्रम हमें दिख रहे थे, और 2.1 किलोमीटर के बाद ऐसा क्या हुआ कि लैंडर विक्रम जो है वो वहां से उनका कनेक्शन हमसे टूट गया, और ये लैंडर विक्रम जो है ये कनेक्शन कर रहा था डायरेक्टली ऑर्बिटर को, और ऑर्बिटर पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा था इसरो को। तो ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन लैंडर विक्रम देना चाह रहा था किसे देना चाह रहा था,
ऑर्बिटर को और ऑर्बिटर इसरो को, तो कनेक्शन जो था वो नहीं मिला और 2.1 किलोमीटर पे लैंडर विक्रम दिखाई नहीं दिया। और 2.1 किलोमीटर पे ऐसा क्या हुआ होगा कि लैंडर विक्रम दिखाई नहीं दिया, इस पे अभी क्वेश्चनिंग चल रहा है। तो अगर हम बात करें 2.1 किलोमीटर की, तो ऐसी दो टाइप की लैंडिंग होती है मून पे जो कि हमें करना होता है। सबसे पहले आपको वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है, जिसे बोला जाता है सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग। तो आपको मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना होगा ताकि वो क्रैश ना हो, ठीक है। क्रैश लैंडिंग अगर हो तो ऑब्वियसली ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग के लिए वो स्पेस होना चाहिए मून पे, और उस स्पेस पे आप लैंड कर सकते हो, ऑब्वियसली आपका स्पेसक्राफ्ट लैंड कर सकता है। तो फिर प्रज्ञान रोवर का क्या रोल है? आप ये तो जानते हो कि लैंडर विक्रम वहां पे लैंड करने वाला था लेकिन लैंड नहीं कर पाया, तो प्रज्ञान रोवर का तो कोई रोल ही नहीं आया, क्योंकि लैंडर विक्रम के अंदर प्रज्ञान रोवर था, लैंडर विक्रम के अंदर प्रज्ञान रोवर था, जो कि इसके भी वेट को कम कर दिया गया। लैंडर विक्रम में से प्रज्ञान निकलने के बाद प्रज्ञान रोवर अपना स्टडी करेगा तो उसका भी वेट कम हो जाएगा, जो कि वेट रहेगा 27 kg। इसको 27 kg का बनाया गया क्योंकि इसका वेट कम होने के कारण हम स्टडी कर सकते हैं, और उसमें व्हील्स भी लगाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्बिटर था, उसके बाद लैंडर विक्रम लैंड करने वाले थे, और लैंडर विक्रम के बाद प्रज्ञान रोवर का एप्लीकेशन आगे आता था, लेकिन लैंडर विक्रम लैंड नहीं कर पाया, इसलिए प्रज्ञान रोवर स्टडी नहीं कर पाया, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया। ऑब्वियसली प्रज्ञान रोवर हमें बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड कर सकते थे, प्रज्ञान रोवर डाटा प्रोवाइड कर सकते थे, और प्रज्ञान रोवर डिपेंड थे लैंडर विक्रम पे, लेकिन लैंडर विक्रम 2.1 किलोमीटर से हमें दिखाई नहीं दिया गया, और ऑर्बिटर अपनी जगह पे है या नहीं है इस पे क्वेश्चन मार्क चल रहा है। देखिए, लैंडर विक्रम एक अलग कंसेप्ट था, प्रज्ञान रोवर एक अलग कंसेप्ट था, ऑर्बिटर अपनी जगह पे आज भी ऑर्बिटर वही है, और ऑर्बिटर 100 किलोमीटर ऊपर भी रहा फिर भी वो हमें बहुत से पिक्चर्स को प्रोवाइड करेगा, वेदर रिपोर्ट देगा, वो कितने साल तक देगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ऑर्बिटर हमें नियर अबाउट 7 years तक डाटा प्रोवाइड कर सकता है। ऑर्बिटर आज हमारा वहाँ पे ऑर्बिटर है वहीं पे है, और ऑर्बिटर हमें 7 years तक डाटा प्रोवाइड कर सकता है। तो फिर अगर ऑर्बिटर 7 years तक डाटा प्रोवाइड कर सकता है, तो फिर विक्रम का क्या रोल है? हमें तो डाटा ही चाहिए ना, तो फिर विक्रम का क्या रोल था और प्रज्ञान रोवर का क्या रोल था? तो ऑब्वियसली उनका भी बहुत बड़ा रोल था, लेकिन 7 years का डाटा आज भी हमें मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऑर्बिटर को इफेक्ट हुआ है, ऑर्बिटर एज इट इज है वो हमें डाटा देता रहेगा। ये हमारा 95% स्टडी है, मतलब हम 95% इसरो जीत चुका है। 95% में इसरो ने अपना जो ऑर्बिटर है ये साइंस से, ऑर्बिटर जो है ये साइंस है, और साइंस ने प्रूफ कर दिया कि हमने हमारा ऑर्बिटर वहां तक भेजा है। ऑर्बिटर को भेजने के बाद हमारा मकसद था कि जो रिमेनिंग 5% है, ये रिमेनिंग 5% हम लैंडिंग करें, रिमेनिंग 5% में लैंडिंग करें, ना कि 100% हम यहां पे गलत है, ऐसा नहीं है। 95% ऑर्बिटर का रोल था जो कि हमने पूरा किया, हम फेल नहीं हुए, 95% हम पास हुए हैं, आज भी हमें पिक्चर्स मिल रहा है। अब रोल क्या है ऑर्बिटर का? तो आज भी अगर लैंडर विक्रम नजर आएगा या दिखेगा तो ऑब्वियसली उसका रीजन रहेगा ऑर्बिटर, क्योंकि ऑर्बिटर ही उसे बता सकता है, ऑर्बिटर ही उसे कैप्चर कर सकता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये मिशन लैंडर विक्रम या प्रज्ञान रोवर ये फेल क्यों हुआ, ये फेल नहीं हुआ है। अभी भी लुनार डे होता है, एक लुनार डे, तो लुनार डे होता है लुनार डे, और ये एक दिन हमारी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, 14 days, मतलब 1 lunar day इज इक्वल टू 14 days ऑफ अर्थ। एक लुनार डे के लिए ये बनाया गया था, लैंडर विक्रम एंड प्रज्ञान रोवर, एक लुनार डे के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रज्ञान रोवर को बनाया गया, लैंडर विक्रम को बनाया गया, और सिर्फ एक दिन का स्टडी। अर्थ के कंपैरिजन में अगर बात करें तो अर्थ को रिलेट अगर करें तो ऑब्वियसली 14 दिन का स्टडी हमारा बाकी था, और वहां के एक ही दिन का स्टडी हमारा बाकी था, और वो अगर एक दिन का स्टडी हमारा हो जाता
विक्रम लैंड कर पाते तो ऑब्वियसली हमारा जो 5% स्टडी बाकी था वो भी उससे हमें मिल जाता। इसलिए हम 95% वहाँ पे करेक्ट थे। 95% तक हमने एनालिसिस किया है। 7 साल तक एक ऑर्बिटर अपना फंक्शन कंटिन्यू करता है और लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर का सिर्फ एक ही दिन का फंक्शन था जो कि वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी 14 डेज का वक्त हमारे पास है। ऑब्वियसली 14 डेज में अगर कुछ होता है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक गुड न्यूज़ रहेगा इंडिया के लिए। मैंने पीपल्स को देखा है, पीपल्स इसरो को डीमोटिवेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिया को डीमोटिवेट ना करें। इंडिया ने 95% चंद्रयान 2 को सक्सेस दिलाया है और ऑब्वियसली सक्सेस दिलाता रहेगा। नासा भी सक्सेस दिला रहा है, ऑब्वियसली वो भी सक्सेस दिलाते रहेगा। लेकिन सिंपल है कि आप अगर किसी इसरो को या नासा को डीमोटिवेट करते हैं तो ये जो है ये साइंस के एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा ऐसा कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा या नहीं होगा ये रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट अभी आना बाकी है। इसलिए ये 95% तो हम सक्सेस हैं। इसरो को मेरी ओर से मैं ग्रैंड सल्यूट करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा इसरो को। और जो डीमोटिवेट कर रहा है इसरो को, ऑब्वियसली वो डीमोटिवेट ना करे। आपको अगर ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो ऑब्वियसली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच।